स्टूडेंट वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि प्लॉट का मेजरमेंट कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं कि कितना स्क्वायर फीट होता है, कितना डिसमिल होता है, कितना एकड़ होगा, कितना हेक्टेयर होगा। आप अगर जानकारी लेना है कि मेरा प्लॉट का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे और इसका जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा वीडियो सिविल से रिलेटेड ही अपलोड करता हूँ। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करने से पहले मैं कुछ बता दूँ जो कि आपको इस वीडियो में हेल्प होने वाला है। वैसे मैं पूरा प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक भी दे दिया हूँ, वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, पूरा डिटेल में बताया हूँ। वन एकड़ इज इक्वल टू होता है 100 डिसमिल बराबर होता है, 100 डिसमिल के बराबर 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ इज इक्वल टू अगर स्क्वायर फीट में बात करते हैं तो ये होता है 43,560 स्क्वायर फीट, यानी कि 43,560 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ बराबर। ये स्क्वायर फीट क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ये भी बता दूंगा, ये आपको ये भी क्लियर होगा। 1 डिसमिल बराबर होता है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 2.741 एकड़ होता है। ये 1 हेक्टेयर बराबर, ये बड़ा होता है एकड़ से, यहाँ समझ लीजिए। इस मैं प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मैं लिंक दे दूंगा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू आपको अगर डिसमिल बात करें तो 274.1 डिसमिल होता है। 1 मीटर इक्वल टू आपका होता है 3.281 फुट होता है, ये जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट, इसको गज भी बोलते हैं गज। 1 मीटर इक्वल टू देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट है। अब इसको फीट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही स्क्वायर फीट है। अब मैं बता रहा हूँ 1 यार्ड स्क्वायर इक्वल टू अब जितनी फीट होता है ये 9 स्क्वायर फीट है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि फीट स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, तो यही हम शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर मीटर लिख रहे हैं। उसी तरह फीट की बात करते हैं, 1 फीट से मल्टीप्लाई 1 फीट करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, फीट स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर फीट, समझ गए। तो यही होगा शॉर्ट फॉर्म में सेफ्टी, इसको डिनोट करते हैं। ये सबसे पहले आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब चलिए मान लीजिए आपका रोड के सामने आपका जमीन है, यही जानना है कितना स्क्वायर फीट है या कितना डिसमिल है। आप ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले नंबर, देखिए आपका जमीन किस फॉर्म में हो सकता है, सभी फॉर्म में, फिगर इस तरह में भी आपका प्लॉट हो सकता है, ऐसा भी प्लॉट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इस शेप में भी प्लॉट हो सकता है। मैं सबका एरिया निकाल के आपको बताऊंगा। देखिए इस फॉर्म में भी आपका लैंड हो, देखिए ये फिगर डिफिकल्ट है तो मुझे क्या करना है, इसको पार्ट बाय पार्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ से यहाँ पार्ट कर लिए तो ये रेक्टेंगल शेप में हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल शेप में यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में ये शेप इसको बदल सकते हैं और वहां से पार्ट बाई पार्ट एरिया निकाल के पूरे प्लॉट का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला की जरूरत होगा, अगर रेक्टेंगल शेप में आ रहा है तो आपका एल इंटू बी, स्क्वायर शेप में है तो आप साइड इंटू साइड है, होता है साइड इनटू साइड, क्योंकि आप एल बी भी मान सकते हैं क्योंकि ए साइड दोनों माने स्क्वायर में क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों इक्वल होता है। और ट्रायंगल एक आएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बी इंटू एच, बेस आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये बेस हो गया, इसका ये एच हो जाएगा। आप यहां से एरिया निकाल के पार्ट बाई पार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी फिगर का, जैसे ये भी फिगर है इसको भी पार्ट बाई पार्ट निकाल सकते हैं, जैसे भी पार्ट बाई पार्ट आप डिवाइड करके बता सकते हैं। चलिए हम आपको दूसरे फिगर बता रहे हैं। फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर में आपका प्लॉट इस तरह हो सकता है। अगर आप यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका रहा 140 फीट 5 इंच, 140 फीट 5 इंच आपका आ रहा है, और ये आ रहा है 120 फीट और 9 इंच आ रहा है। तो आप इस सबसे पहले क्या करना है कि ये इंच में है, एक यूनिट में चेंज करना रहता है, तो इंच को क्या करना है, फीट में चेंज कर दीजिए। तो 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है, अगर इसको आप कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 12 करना होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट चेंज करके, यहीं डायरेक्ट कीजिएगा तो 140 है ना, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं 140 पॉइंट, देखिए अब इसको चेंज कर दिया यहां से, ये आएगा ये, तो 41 इंटू आपका करना है 120, 9 डिवाइडेड बाय 12 कीजिएगा तो 0.75 आपका आएगा, तो यहाँ 0.75 यहाँ से कर दीजिए, तो आपका ये एरिया आ जाएगा 16954.5
स्क्वायर फीट, इसी को मैं डिनोट कर रहा हूँ स्क्वायर फीट से डिनोट कर रहा हूँ, या तो आप लिख सकते हैं फीट स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या हो गया, आपको स्क्वायर फीट में आपका आ गया। आप चाहते हैं कि मीटर में हमको जान लें तो मीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं बताया हूँ अगर मीटर में 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10.76 फीट स्क्वायर, यही होता है, तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर चेंज करना है, अगर मीटर स्क्वायर में अगर मान लाना है, इसको डिवाइड कर सकते हैं 9169545 डिवाइडेड बाई करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, तो 10.76। तो आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 1575.69 मीटर स्क्वायर, इसी को लिखे स्क्वायर मीटर, यही है आपका स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब आपको ये करना है, आपको ये जानकारी लेना है कि ये जो स्क्वायर फुट आया है कितना डिसमिल है, आप डिसमिल में जानना चाहते हैं। तो 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 स्क्वायर फुट होता है, मैं अभी बताया हूं। आप यहां इसे डिवाइड कर दीजिए, क्या करना है, इस एरिया को डिवाइड कर दीजिए, यानी 16954.5 डिवाइडेड बाई 435.6, समझ रहे हैं। आप यहां डिवाइड किए हैं तो 38.9 डिसमिल आपका ये एरिया जो हुआ, कितना हुआ 35.9 डिसमिल, ये आप जान गए डिसमिल। ओके, आपको यहां तक ये फिगर में समझ में आ गया होगा कि 39 पॉइंट ये हो गया। अब देखिए दूसरे फिगर के चलते हैं, डिफिकल्ट थोड़ा फिगर है आपका। सपोज दैट आपका कुछ इस फॉर्म में आ सकता है, फिगर जो होगा कुछ इस टाइप में आपका आ सकता है ये फिगर ऐसे में। तो आपका दो तरीका है, या तो ट्रायंगल से निकालिए, क्या करिए ये ट्रायंगल से निकालिए, ये एक इसका देखिए रिटेंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इसका इसका अलग से एरिया निकाल दीजिए। या तो एक और तरीका है, टॉप में मान लीजिए मेजरमेंट किए हैं, तो आप आ रहा है, देखिए मैं बता रहा हूँ 75 मीटर, सॉरी ये मीटर में बता रहा हूँ, 75 मीटर 60 सेंटीमीटर आपका आ रहा है, कितना 60 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर ये वाला नापे हैं यहां से यहां तक दूरी आपका जो है, ये जो मेजरमेंट किए हैं यहां से यहां तक दूरी आपका, ये आपका है 17 मीटर 30 सेंटीमीटर आपका है, ये वाला यहां से यहां तक, ये नहीं, समझ रहे हैं, यहां से यहां तक, ये तो ये यहां से यहां तक आपका है, कितना है, ये भी वही है 17 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब आपको मैं बता दूं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, आप यहां से सेंटीमीटर हो गया मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माने 60 है तो इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह ये 30 है तो 30 को डिवाइड कीजिएगा कितना से 100 से, ये 0.3 आ जाएगा। अब आपको इसका एरिया निकाल लेना है, सबसे पहले ना ये दो आपका है, बॉटम में आपका आ रहा है, ये जब ये एल निकले 62 मीटर 75 सेंटीमीटर आ रहा है आपको, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ये देखिए एल दो तरह हो गया, तो इसका एवरेज ले लीजिए, क्या करना है आपको एवरेज लेना है, तो आप यहां से एवरेज निकाल लीजिए 76 को मीटर में चेंज करेंगे तो 60 को अगर मीटर में चेंज करेंगे 6 प्लस इसको मीटर में चेंज करेंगे 62.75, 100 से डिवाइड करना है आपका, डिवाइडेड बाय 2a, तो आपका ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 69.175 मीटर, आपको समझ में आएगा। अब ये निकल गया, ये सेम करना है तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू क्या होगा 69.175 इंटू आपका ये 17.3, ये भी देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिए, तो आप इसके यहां से कैलकुलेशन आपका आ गया 1196.72 स्क्वायर मीटर। अब इसको क्या करना है, सेफ्टी में चेंज कर लीजिए, सेफ्टी में मैंने बताया था कि आपको क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट होता है, सॉरी स्क्वायर फीट में चेंज कर लीजिए तो स्क्वायर फीट में आता है, तो आपको स्क्वायर फीट में लाना है तो क्या 1196.76। देखिए आप क्या मीटर से क्या है फीट में चेंज करना है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मीटर बड़ा होता है और फीट कम होता है, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना होगा आपको, डिवाइड नहीं करना होगा, सॉरी ये यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए 1 मीटर है, समझ गए, और ये यहाँ ही 3.28 फीट हो जाता है, या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10.76 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ 1 मीटर इक्वल टू इतना स्क्वायर फीट होता है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 128.9 स्क्वायर फीट। ये मैं इसलिए बड़ा डाटा लिया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं सब कुछ चेंज करके दिखा दूँ, हेक्टेयर मीटर डिसमिल सब एकड़ सब, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना आया था, आप एकड़ में चेंज कर दे डायरेक्ट, क्योंकि लंबा ये क्या है बहुत बड़ा यूनिट है स्क्वायर फीट, एकड़ में चेंज कर देते, एकड़ में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, एक एकड़ में जानते हैं ये लिख लीजिए 128.76 डिवाइडेड बाई क्या, एक एकड़ में कितना था 43560 स्क्वायर फीट, यही होता है, आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 29.56 एकड़ आपका एकड़, ये कितना प्लॉट एरिया होगा इतना एकड़ का हो गया, ठीक है। अब देखिए हेक्टेयर में चेंज कर दे, इसलिए मैं बड़ा यूनिट लिया हूँ, हेक्टेयर में भी चेंज कर दे, 1 हेक्टेयर बराबर आपको कितना होता है 2.741 एकड़ होता है,
ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि 29.56 डिवाइडेड बाई 2.741 से कीजिएगा तो आपका आएगा 10.78 हेक्टेयर। ये प्लॉट एरिया कितना में हो गया आपका, ये प्लॉट कितना का हो गया, तो आप ये बोल सकते हैं 10.78 हेक्टेयर है, या तो इसको बोल सकते हैं 29.56 एकड़ आपका प्लॉट एरिया था। आप यहां से समझ गए होंगे कि एकड़ और हेक्टेयर में कैसे चेंज करते हैं, डिसमिल में कैसे चेंज करते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आई होप अगर आपको क्लियर हो गया है आप तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हमेशा सिविल से वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप कमेंट्स जरूर कीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आप शायद निकालना सीख गए होंगे बेटर कि प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं, 4 डिसमिल में कितना होता है, डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट होता है, आप ये भी निकाल सकते हैं। मैं पहले से लिख दिया था 4 डिसमिल, तो आप यहाँ कमेंट्स में कीजिए सॉरी फ्रेंड, 4 डिसमिल इज इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होगा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप कीजिए। 4 × 3 = 435.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।